Good morning, everyone. Good morning. Good morning. And same Bridget to everyone. Yes, similarly. आज training session नहीं होके एक realization पे जाते हैं कि vestige में हम लोग आए हैं तो बिना goal के चले बिना कहाँ पहुँचे ये ठीक नहीं है तो हम realize करेंगे आज कि कैसे चलना चाहिए और ये सफर कैसे होने वाला है. तो मैं एक स्लाइड के थ्रू आपको लेके जाऊंगा. मेरा स्लाइड जो भी है 102 पार्टिसिपेंट शुरू से आप लोग हैं तो मेरा ये ख्वाहिश है और ये चाहत भी है कि आप लोग पूरा रहें. पूरा क्यों रहना है? क्योंकि मैं आपको रियलाइजेशन पे लेके जाऊंगा क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, गोल सेट क्यों जरूरी है. और ये जो मैं बोलने वाला हूं ये सब मेरा बात नहीं है. एक ट्रेनर का काम होता है ना आपको वक्त कम करके एक जीस्ट बना के आपको दे. ये पूरा इंफॉर्मेशन पूरा नॉलेज वो आप ले बहुत कम समय में. मैं वो काम करूंगा और इस काम को ले आगे लेके जाते हुए आपको एक बताते हैं गोल कौन सेट करता है, जीवन में कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, क्या कर दिखाना है, कैसा जीवन बिताना है, ये कौन कर सकता है. तो कॉमन पीपल, कॉमन जो है. देखिए दुनिया में ऊपर वाला जितना सारा प्राणी बनाया सबका कॉमन लाइफस्टाइल है, एक जैसा लाइफस्टाइल है ना. मगर एकमात्र प्राणी ऐसा है जो इंसान अलग अलग काम करता है. अलग अलग बोले तो कोई एवरेज लाइफ लीड कर लेता है, कोई जीवन में इतना ये मुकाम हासिल कर लेता है कि दुनिया याद रख जाए उनका जाने के बाद भी सालों से सालों और पीढ़ी से पीढ़ी याद रखता है. एकमात्र इंसान के पास ये मौका है. एक बार पूछिए आपने आपसे आप क्या हैं, आप क्या हैं. आप वो एवरेज पर रहता है इंसान. ऊपर वाला ने आपको स्पेशल इंसान बनाया, स्पेशल प्राणी बनाया जो इंसान है. और क्या आप कमन जिंदगी जीना चाहते हैं जो हर प्राणी जीता है? क्योंकि जो उनके लिए फिक्स किया गया है भाई, मेरे लिए तो फिक्स किया गया नहीं है इंसान. क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो सोच सकता है. जो प्राणी सोच सकता है वो आगे लेके जा सकता है अपना जिंदगी. तो आप आगे लेके जाओगे और इतना मकाम हासिल करके जाओगे कि पीढ़ी से पीढ़ी तक आपको याद करे, ऐसे स्पेशल इंसान आप बन सकते हैं, बनना चाहते हैं? पहले आप ये पूछिए अपने आप से, फिर पूछिए अपने आप से व्हाट शुड बी योर गोल, क्या होना चाहिए आपको. क्यों? क्योंकि वेस्टेज का मौका भी मिला, उसमें भी क्या आप कमन रहिएगा या स्पेशल आम रहिएगा या कोई ऐसा इंसान बन जाइएगा कि पीढ़ी से पीढ़ी याद रखे. क्या करना चाहिए आपको, क्या गोल बनाना चाहिए. वेस्टेज जिसके पास नहीं है, कोई नौकरी करता है आम नौकरी करने वाला रह जाएगा, कोई छोटा मोटा करवारी है वो रह जाएगा. मगर वेस्टेज में आप ये प्रूवन है ना, बहुत सर मेरे हमारे आगे, मेरा नहीं हमारे आगे बहुत सारा इंसान अपने आप को प्रूव कर दिया. और एक प्रूव करने वाला प्रोबीर रॉय सर हमारे साथ इस मीटिंग में है जो खुद को प्रूव कर दिया कि स्पेशल है ना. वेस्टेज का मौका आपको मिला तो आप स्पेशल है. वेस्टेज का मौका जिसको आप दीजिएगा वो स्पेशल है. क्योंकि यहां पे वो अपना जिंदगी का मकाम जिस तरीके से देखा अपने जिंदगी वो बना सकता है. तो स्पेशल प्लेटफॉर्म आपके लिए है क्योंकि स्पेशल इंसान ऊपर वाला ने सोचा तब आपको वेस्टेज का मौका मिला. बहुत सारे के लिए नहीं सोचा है कि उसको स्पेशल इंसान बने, वो उसको पीढ़ी से पीढ़ी याद रखा जाए, इसलिए उसने वेस्टेज को ठुकरा दिया. आपने ठुकराया नहीं तो क्या है, आप स्पेशल. गोल क्या है, गोल का मीनिंग क्या है, गोल का मीनिंग क्या है. गोल माने कहां हम लोगों को पहुंचना है. गोल एक सुनिर्दिष्ट होना चाहिए, एक आप स्पेसिफिक कीजिए उसको
कहाँ पहुंचना है, वेस्टीज में आए हैं वो वैसे ही चलेगा। हाँ एक दिन हुआ, एक दिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, एक दिन सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, क्राउन बन जाएंगे, यूनिवर्सल, ऐसे में नहीं होगा। आप वेस्टीज में आए हैं ना, जिस दिन आए तो आपका डेजिग्नेशन हो गया वेस्टीज एम्बेसडर, क्योंकि सिद्धार्थ सिंह सर भी 5% से शुरू किया था, कौशिक गोस्वामी सर भी 5% में शुरू किया था, उन्होंने अपना वो गोल फिक्स किया, आज मुकाम हासिल किया। मेजरेबल हो आप, उसका एक परिमाप हो। आप ऐसा कुछ गोल सेट मत कीजिए जो परिमाप ना हो उसको। अरे भाई परिमाप क्या, वेस्टीज में 5% लेके शुरू किया था तो आज तो वेस्टीज एम्बेसडर बने, तो परिमाप क्या है? मेजरेबल माने छोटा नहीं, अपना ब्रेन का मेजर कीजिए कि कितना बड़ा कोई कर सकता है। और वो अचीवेबल भी है, अचीव करके 17 इंसानों ने अचीव करके दिखाया, और बहुत सारा डबल क्राउन, डबल यूनिवर्सल क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन क्राउन बन चुका, अचीवेबल नहीं है। आज गोल सेट करेंगे हम लोग वेस्टीज में, जो ऊपर वाले ने इतना अनोखा मौका हम लोगों को दिया है उसमें हम सेटिंग कर, उसमें फोकस करेंगे। क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि ये अचीवेबल है। महीने का लाख नहीं करोड़ इनकम, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बहुत है करोड़ तक पहुंच सकते हैं, तो ये अचीवेबल भी है और ये रियलिस्टिक है, प्रूफ हो चुका। और टाइम खाली आपको एक करना है, क्या टाइम टारगेट, कौन कितने दिन में कितना टाइम में अब ब्रॉन्ज बनिएगा, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, स्टार बनना है, खाली इसको फिक्स कीजिए। क्यों करना है? इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया है, बहुत सारा रिसर्च है, तो खाली एक बताएंगे हम, एडविन लो, इनको फादर ऑफ गोल सेटिंग कहा जाता है, इनको फादर ऑफ गोल सेटिंग कहा जाता है। इनका क्या कहना है, 400 लेबोरेटरीज और 25 साल का रिसर्च, क्या एनालाइज किया है, क्योंकि गोल अगर सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस हाईएस्ट लेवल होगा। बिना सेट किया हुआ गोल, जो गोल सेट नहीं किया है वो उसका परफॉर्मेंस आम हो जाएगा। जिसने गोल सेट करके कोई काम किया तो उसका परफॉर्मेंस हाई हो जाता है, और जिसका परफॉर्मेंस हाई हो जाता है तो हायर लेवल अचीव करता है। गोल का मतलब क्या है, उन्होंने क्या बताया, गोल है एग्जॉशन, डू योर बेस्ट। आप गोल सेट करिएगा तो आपका बेस्ट, आप जो इंसान बने, आपका जो बेस्ट वर्जन है वो आप बन सकते हैं बिना गोल सेट किए हुए। कैसा, कैसा बिना गोल सेट किए हुए, कैसा, जो स्पेसिफिक हो, जो मेजरेबल हो, जो आप हासिल कर सकते हैं, वो रियलिस्टिक और टाइम टारगेटेड, तब जाके आप वो गोल हासिल कीजिएगा, माने जहां पहुंचना है वो हासिल कीजिएगा। क्यों, ये गोल सेट करने के बाद आपका परफॉर्मेंस भी बहुत हाई हो जाए। ये मेरा नहीं है, एडविन लोग जो फादर ऑफ गोल सेटिंग कहा जाता है उनका है, मानिए, क्योंकि उनका 25 साल गया आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, उन्होंने सोचा और इतना अनोखा तरीका और इतना रिसर्च वर्क उन्होंने करके दिखाया, 400 लेबोरेटरी से 25 साल का रिसर्च के बाद। गोल मोटिवेट करता है आपको, जब आप सेट करते हैं ना, ये आपको एक्शन, माने आपका डायरेक्ट अटेंशन आ जाता है, कहां पहुंचना है, क्या करना है, वो अटेंशन वो क्रिएट करता है गोल। आप जो काम कीजिएगा ना, वो ज्यादा काम करना है, और काम करना है, आज कितना काम करेंगे, ये रेगुलेट करता है। और आपका ना ये काम कर, ये काम एफोर्ट देना, ये इंक्रीजिंग परसिस्टेंट, इसका कंटिन्यूटी रहता है, अब लगातार काम करते रहते हैं। जब गोल सेटिंग हो जाता है आपका, जब आप सुनिर्दिष्ट करते हैं कहां पहुंचते हैं, इतने दिन में पहुंचता है और ये काम करके दिखाना है, तो आपका बाय डिफॉल्ट आपका एफोर्ट आप रेगुलेट करते हैं और वो बढ़ता हुआ बढ़ता जाता है, क्योंकि गोल आपको मदद करता है और काम आपका परफॉर्मेंस और बेटर करने के लिए। ये इनकरेज करता है, आपका साहस देता है उन्नति करने का, क्या स्ट्रेटेजी, और अच्छा काम कैसे करे, कैसा बनाए, काम का तरीका ढूंढना, अच्छा बढ़िया तरीका करना,
और आपका एक्शन प्लान में और बेहतरी लाना, इसमें आपको मदद होता है। और पता है आपको, इसी को कहता है, आप जब डायरेक्ट अटेंशन देते हैं किसी काम में, आपका एफोर्ट आप खुद रेगुलेट करते हैं, बढ़ाना है और बढ़ाना है, और ये लगातार करते जाना है, और इसको और बेहतर और अच्छे तरीके से करना है। इसी को कहते हैं टास्क परफॉर्मेंस। टास्क परफॉर्मेंस क्या हुआ, ये टेक्निकल एक्शन स्किल्ड विद नॉलेज। टेक्निकल एक्शन स्किल विद नॉलेज, ये काम करते हैं, ये जो काम तरीका ना, और उसमें गोल मोटिवेट करता है। कितना बढ़िया तरीका, देख, गोल एक बार सेट कर लीजिए, वो आपको जहां जहां मोटिवेट करेगा, और वो हो जाएगा आपका टास्क परफॉर्मेंस, माने बेहतरी आ जाएगा आपका काम पे। इतना बेहतर काम कीजिएगा आप, आगे बढ़ पाइएगा बहुत 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 बहुत, जितना आपने सोचा है उतना ही पहुंच सकेगा। देखिए, और एक कहते हैं, गोल कहां से आएगा, बड़ा सपना रहेगा तब। बड़ा सपना देखिए, क्योंकि जब सपना देखिएगा ना, सोचिएगा, डोंट केयर एनीथिंग, मत केयर कीजिए किसी को क्या कह रहा है। यह एक बांग्ला में कहावत है, छेड़ा काथा छुए लाख टकर स्वप्नो, और हिंदी में कहते हैं सोने का चादर नहीं तंबू का फरमाइश। भाई जब आपके सामने ऐसा कोई बोले ना, अंदर अंदर बोलना, भाई अब चादर नहीं है, तंबू के बारे में बोल रहे हैं, तंबू खड़ा करने दो, मैं बिल्डिंग बना कर रख दूंगा। आज मेरे पास 10,000 का आमदनी नहीं है, करेंगे 10,000, लाख में पहुंचेंगे, अरे लाख में पहुंचने दो, मैं करोड़ बन जाऊंगा, तब क्या करोगे, क्या सोचोगे। किसी को मुंह में जवाब देना नहीं, अंदर ही अंदर इसको कहना है। बड़ा सपना देखने से मत डरो, बड़ा सपना देखो, और जब बड़ा सपना देखोगे ना, किसी का परवाह मत करो, कैसा आपका परिवार है, कैसा आपका जीवन चल रहा है, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, कैसा आपका परिवेश है, किस हालत में आप अभी अब है, ऐसा मत देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं सोचिए। और जो आप बाहर वाला आपके लिए सोचता है ना, उसको भी परवाह मत कीजिए, अब अंदर ही अंदर ही कहते रहिए, कहते रहिए, शक्तिमान बनाइए अपने आप को बड़ा सपने देखने का, क्योंकि बड़ा सपना ही क्रिएट करता है बड़ा गोल। जो सपना हम लोग जितना बड़ा सपना देखेंगे, उतना बड़ा गोल हम सेट कर पाएंगे। गोल माने जहां आप, जहां पहुंचना है, जहां आपने पहुंचना चाहते हैं और जहां आपने पहुंचना है। तो अगर बड़ा सपना नहीं है और उसको पाना ही पाना है, आप केयर किसी को नहीं करते हैं, तो बड़ा गोल बाय डिफॉल्ट बन जाता है, मैं किसी को केयर ही नहीं करता। क्या कुछ बोले, अरे भाई अभी तेरा हालत है, 10,000 कमाता नहीं, अभी तू साइकिल में है, बाइक नहीं खरीद सकता, तो चार चक्के की बात करता है। तो क्या हुआ, आज मेरे पास बाइक नहीं है, चार चक्का नहीं, आज मैं चार चक्के के बारे में बोल रहा हूं, अगला दिन आएगा मैं आपको लग्जरियस कार के बारे में बोलूंगा। तो बड़ा सपना देखिए यारो, बड़ा सपना देखिए दोस्त, तो बड़ा गोल क्रिएट होगा और बड़ा जिंदगी जियोगे। क्यों, और इसके लिए मैं रियलिस्टिक कुछ आपको बताऊंगा। क्या, देखिए आप चाहते हैं ना आपका आपका जीवन बैलेंस में रहे, जैसा ये बैलेंस देख रहे हैं ना, ऐसा बैलेंस हो आप चाहते हैं ना, हाँ आप चाहते हैं ना ऐसा बैलेंस हो, तो आप गोल सेट कीजिए। वैसे सेट योर गोल इन योर लाइफ, क्या अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट। प्रेजेंट कहाँ पे है, कौन सा स्टेज पे है आप, देख लीजिए। हमारा चार स्टेज होता है जिंदगी का, सर्वाइवल, जिसका सर्वाइवल रेडी हो जाता है वो आगे बढ़ने के लिए हेल्थ एंड सिक्योरिटी में जाता है, और जिसका स्वास्थ्य ठीक है और सिक्योर्ड लाइफ है वो लग्जरी लाइफ में जाता है, और वो लग्जरी लाइफ जब नीड फुलफिल हो जाता है तो गॉड माइंड, माने एक साधारण भाषा में अगर कहा जाए सर्वाइवल बोले तो, जो हमारा दिन हर दिन का खर्चा है, हर दिन का जो लाइफ, जो मेरा जीवन है वो सही से हो जाए, ये पूरा करने के बाद हम लोग स्वस्थ और निश्चित जीवन की तरफ भागते हैं। वो जब पूरा हो जाता है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, हेल्थ को क्या अच्छा, आप देखें किसी को जो दिन का खाना सही से नहीं मिलता, वो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा है नहीं ना, क्योंकि जो मॉर्निंग वॉक करता है, जो अपना हेल्थ के लिए जिम में जाता है, जो अपना हेल्थ के लिए सप्लीमेंट लेता है, सप्लीमेंट वो सर्वाइव। अरे भाई जिसके पास चावल खरीदने का पैसा नहीं है, वो स्पाइरल होना कैसे खाएगा। जब दिनचर्या ठीक हो जाए
उसके बाद वो हेल्थ एंड सिक्योरिटी के बारे में सोचता है। जिसके पास हेल्थ एंड सिक्योरिटी है एकदम वो पूरा कर लेता है, उसके बाद उस लग्जरियस लाइफ। एक एक जागुआर कार, प्रबीरदा का जो जागुआर कार है, हमने सुना है प्रबीरदा से 1,20,000 रुपए उसका ईएमआई देना पड़ता है। हाँ जी, तो लग्जरी लाइफ लीड करने के लिए तो आप कैसे देता है, उनका हेल्थ एंड सिक्योरिटी माने उनका परिवार निश्चित है, तब जाके ना लग्जरियस लाइफ लीड कर रहा है। अब उनका आप ये पूरा करने के बाद गॉड माइंड, हम अगर अकेले अभी भी सोच ले हम 5% में 8% में है, सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर जो भी है, अगर अभी सोच ले कि नहीं मैं सिद्धार्थ सिंह बन जाऊंगा, हो नहीं सकता। सिद्धार्थ सिंह सर, सिद्धार्थ उनका शुभ जन्मदिन है, प्रणाम करते हैं उनको, तो उनका नाम लेते हुए कहते हैं गॉड माइंड, उनका लग्जरी लाइफ का नीड है पूरा हो गया अभी गॉड माइंड। सिद्धार्थ सिंह सर का ट्रेनिंग देखिए, गॉड से जुड़ता रहता है, गॉड से जुड़ता रहता है कि उनके उनका लग्जरियस लाइफ। तो आप जैसा सोचते हैं ना सर, आप गोल सेट कर रहे हैं ना, अगर सर्वाइवल रेडी नहीं है तो सर्वाइवल रेडी कर लीजिए। कितना दिन में आप सर्वाइवल स्टेज क्रॉस कर देंगे, फिर उसके बाद कितना दिन में आप हेल्थ एंड सिक्योरिटी। मैं आपके परिवार का बात कर रहा हूँ सर, मैडम मैं आपका ही बात कर रहा हूँ। कितना दिन में आपको लग्जरियस लाइफ लीड करना है, उसके बाद गॉड माइंड माने ऊपर वाला जो मन दे के भेजा, काम नहीं खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए करता है। अभी इंसानियत का भला करना है, दुनिया को भला करना है, दुनिया के लिए काम करना है और मेरे लिए नहीं। और एक काम है जो देखिएगा, संत सन्यासी जो होते हैं ना पूरा छोड़ देता है। देखिए टफेस्ट जॉब हम लोगों के पास है क्योंकि हम लोग संसार सन्यासी है, हम लोग ये चार पार करना है, सर्वाइवल रेडी करना है, फिर उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी में जाना है, फिर लग्जरियस लाइफ, उसके बाद गॉड माइंड। और संत सन्यासी क्या करता है कि अपने आप ये सबसे त्याग कर दिया, शुरू से ही गॉड माइंड है ना। इसलिए कहा जाता है एक संसार सन्यासी से अगर कोई सन्यासी भिक्षा ना ले तो उसका सन्यास पूरा नहीं होता, क्योंकि सबसे टापिस्ट आप सन्यासी नहीं हो, मगर टापिस्ट सन्यासी आप हो, क्योंकि सन्यासी संसार सन्यासी है आप। तो ये चारों जो है स्टेजेस आपको पार करना है। तो पहले फिक्सअप कीजिए कैसे इसको पार किया जाए, सर्वाइवल को कैसे, हेल्थ सिक्योरिटी को, लग्जरियस लाइफ में, और फिर गॉड माइंड में इसको फिक्सअप कीजिए आप। क्योंकि फिक्सअप करते हैं तो इसको पार कीजिएगा आप उसी टाइम में, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप सोचते हैं ना, फिक्स किए हैं, सोचा नहीं फिक्स किया है उसी में पूरा कीजिएगा। एकदम छलांग मत लगाइए, आपको आगे जाना है, आगे जाना है, मगर जहां आपको जैसा परिस्थिति है वो हिसाब से, इधर उधर झांकिए मत, जो आपने फिक्स किए हैं ना उसके तरफ फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि वेस्टिज में ना आपका काम किया हुआ है, आपका काम दिया हुआ है। कैसे आप सोचिए, कैसे आपका खाली नहीं, आपका टीम में ये जो एक्शन प्लान, ये टास्क है, टेक्निकली टेक्निकल एक्शन स्किल विथ नॉलेज, ये हमारा श्रद्धे बाली सर का ये 7 स्टेप, इसमें फोकस कीजिए तो आपका इसमें कितना कैसे कितना कितना जल्दी बेहतरी ला सकते हैं आप। यूज करना आप परिवार का पूरा पूरा जो प्रोडक्ट है वेस्टेज का प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिए हैं, तो आपका टीम का क्या होगा उसमें फोकस कीजिए कि आपका टीम का हर कोई बंदा, हर कोई टीम मेंबर, पूरा परिवार का जितना प्रोडक्ट यूज होता है ना वो वेस्टेज का यूज करें। कैसे इसको किया जाए, क्योंकि इसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज होना, खुद क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट नॉलेज है, बाहर का प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे। हाँ, इतना अच्छा हमारा पेस्ट है, इतना अच्छा हमारा साबुन है, इतना अच्छा खाना पकाने का तेल है, इतना अच्छा चाय पत्ती है, इतना अच्छा फूड सप्लीमेंट है, स्पिरुलिना है, फ्लैक्स ऑयल है, क्यों ना खाएंगे हम, क्योंकि उसके पास स्पिरुलिना कौन खाता है, जिसके पास स्पिरुलिना का नॉलेज है। तो अगर आप नॉलेज आपके पास है प्रोडक्ट, तो आपका घर का रिप्लेस हो गया, आपका टीम का भी वैसा ही कीजिए। आप गोल तक पहुंचने के लिए जो एक्शन कीजिएगा ना, उसका प्लान ये 7 स्टेप में दिया हुआ है, उसमें कैसे कितना ज्यादा रौनक लगा सकते हैं इसमें सोचिए। शेयर, प्रोडक्ट शेयर कैसे होगा,
प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा और जितने आदमी से आप मिलते रहिएगा तब होगा। मैं तो ब्रोंज डायरेक्टर बन गया, मैं सिल्वर बन गया, मैं डायमंड बन गया, मुझे मैं क्यों प्रोडक्ट शेयर करूं? अपना तो यूज कर रहा हूं पूरा, टीम में रिप्लेसमेंट का कोशिश कर रहा हूं। नहीं, जिस भी लेवल में हो आप प्रोडक्ट शेयर कीजिए। इसीलिए देखिए ना, बाली सर ने चार कंसिस्टेंसी दिया है, एक ही दे देता, दो दे देता, तीन, चार क्यों? क्योंकि आपका घर का जितना लगता है उतना तो यूज कीजिए, बाकी जिस भी लेवल में हो आप प्रोडक्ट शेयर करते रहिए। आप आपका रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, सबका चार कंसिस्टेंसी कम से कम आपका हो, चार कंसिस्टेंसी कम से कम आपका हो। क्योंकि ये भाली सर का सोच है कि जिस भी लेवल में हो तो ये करते रहिए। तो आपका सोच लीजिए, आपका चार कंसिस्टेंसी और आपका टीम का चार कंसिस्टेंसी करता है, टीम में जितना है, ये कैसा हो सकता है? इसमें फोकस कीजिए, इसके लिए एक्शन क्रिएट कीजिए। लिस्ट एक दिन 100 लिस्ट बना लिए और नहीं आदत बना लीजिए कि हर दिन दो लिस्ट बनाना है, दो परिवार का लिस्ट बनाना है हर दिन। ये अभ्यास बन जाएगा और ये अभ्यास जो बन जाता है तो क्या होता है, ये बनता जाएगा, लिस्ट बढ़ता जाएगा। एक बार खाली 100 कर दिए तो मेरा तो लिस्ट बन गया है, और लिस्ट बनेगा नहीं तो 100 में ही आपका आप अटक जाइएगा। आप खुद दो परिवार का लिस्ट बनाइए और सबका क्या कीजिए, जैसे और लिस्ट बने, ये आदत बनाइए। इनविटेशन लगातार हर रोज इनविटेशन आप खुद कीजिए और आपका टीम में कितना बढ़ सके उसके लिए आप अपना एक्शन बढ़ाइए, है ना। मीटिंग्स, जितना ज्यादा मीटिंग्स होगा उतना उसका टीम बड़ा होगा, उसका बेहतरीन टीम बनेगा, है ना। टीम वर्क, जितना अच्छा टीम बनेगा उतना अच्छा टीम वर्क भी क्रिएट करना है। सबसे ताल्लुकात रख के कैसे टीम को और टीम वर्क करके और कितना बड़ा टीम बना सकते हैं, उनका भी सपना कैसे पूरा हो सकता है, इसके लिए टीम वर्क कीजिए और फॉलो अप ताल्लुकात बढ़ता रहे। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी दूंगा। टीम आप मीटिंग्स जितना कीजिएगा ना, खाली खाली फोकस कीजिए, मैंने जो फोकस किया है और मैंने बहुत सारे लीडर से बात करके, बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर से बात करके वेस्टीज में मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है अपने टीम के लिए, तो आपके लिए शेयर करना चाहूंगा। कोई भी टीम 5% में हो, उसका टीम में एक मीटिंग होना जरूरी है, हर दिन एक मीटिंग होना जरूरी है। कोई भी टीम 8% में हो, उसका दो होना जरूरी, क्योंकि उसका टीम में एक 5 होगा तो उनका एक, और जो उनको छोड़ के जितना है 8% लेवल में जो बंदा है ना, तो उसका और एक होगा तो दो हो ही जाएगा। 10% में जो रहेगा उसका टीम में हर दिन 3 प्रेजेंटेशन होना जरूरी हो, 3 मीटिंग होना जरूरी है। क्यों? 8% तक एक तो उनका टीम में 8% एक रहेगा तो दो है और उनका एक, बाकी जितना टीम है सबसे एक होगा। जो ब्रोंज डायरेक्टर, उसका टीम में हर दिन 4 प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। जो सिल्वर डायरेक्टर, उनका टीम में ब्रोंज एक है, 4 और 4 उनका साइड से जितना टीम है 4 क्रिएट करना है। गोल्ड डायरेक्टर 2 फ्रंट लाइन है, 4 4 8 और बाकी जो है 4, आप बढ़ते जाइएगा। जो स्टार डायरेक्टर, उनका तो 3 है ना, तो 4 4 4 करके 3 और साइड में 3। जो डायमंड डायरेक्टर 4 4 4 डायग्राम दिया गया, जो क्राउन डायरेक्टर 6 4 4 करके करेगा और आप 2 करते रहिए, बढ़ते जाइएगा। जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, सोच लीजिए अगर ऐसा आप टीम में प्रेजेंटेशन और मीटिंग क्रिएट कर सके, आपका टीम क्या हो सकता है। इसके लिए फोकस कीजिए एक्शन में। तो आप जो गोल सेट कीजिएगा ना, मैं नहीं बोलूंगा कितना दिन में बनना है, मैं नहीं बोलूंगा ना अपना अपलाइन बोल, आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो अगर ऐसा फोकस आप काम में करते हैं और दिन ठीक करके, ऊपर वाला आपका साथ रहेगा और आपको वहां पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। जिसके साथ ऊपर वाला हो और वो सही दिशा में सही एक्शन ले रहा है उनके गोल के तरफ, तो कौन उनको रोकेगा, है? और फॉलो अप करना है हर दिन एक टीम के साथ, क्योंकि आप कंसेंट्रेट कर पाइएगा।
छोटा 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 टीम है तो दिन में आप तीन टीम से कर सकते हैं, दो टीम से कर सकते हैं। बड़ा टीम हमेशा फॉलो अप कर रहा है रोज एक सब डेप्थ 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 जाके, तो ना पूरा जो है डेप जब बात करते हैं तो आपका काम का जो है फोकस स्ट्रॉन्ग रहे, समझ गए? तो आपका गोल के दिशा में आप चल रहे हैं, सही दिशा में, ठीक है ना? तो आप पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचना तो है ही, मगर देखिए आप सही काम कर रहे हैं, सही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सही काम है, ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी आपका पास है कि पहुंच जाइएगा आप अपना गोल की तरफ, है ना? और आपको भी पता है चैलेंजेस आएगा, बाधा आएगा, आप सच देख सकते हैं पहुंचना है वहां। हर रोज आप मेडिटेट करते हैं, मुझे इतना दिन में ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, डायमंड बनना है, क्राउन बनना है, यूनिवर्सल क्राउन बनना है, कैसे बनना है, इस टीम में ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, उस टीम में ये करना है, उस टीम में इतना फॉलो अप करना है, फॉलो अप में ये कहना है, फॉलो अप में वो करेंगे, है ना? आप करते हैं, ये क्लैरिटी आपके पास आया है, मगर फिर भी आपका बाधा आएगा, ये आपको भी पता है। और देखिए बाधा भी आपको पता है, आपको बाधा अतिक्रम करना है, बाधा को दूर करना है, ये कीजिएगा, दूसरा स्टेज ये आएगा, तीसरा स्टेज कमिटेड, आप कमिटेड तो हो, है ना? आप वेस्टेज में आए हो, दूसरा मौका मिला आपको जिंदगी संवरने का, गोल सेट करके आप जा रहे हो, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, तो ये तो कमिटमेंट भी है आपके पास, फीडबैक रिजल्ट तो आ रहा है, आप ब्रॉन्ज बन गए, आप सिल्वर बन गए, आप गोल्ड बन गए, है ना? फीडबैक आ रहा है, आपका फीडबैक क्या आएगा? हाँ, आपका अपलाइन क्या कहेगा? और अच्छा, और थोड़ा मेहनत बढ़ाइए, और आगे बढ़िए, और टीम बड़ा टीम क्रिएट कीजिए, बहुत सारा फिर आर आपका बारे में, ये जो है ना वेस्टीज फैमिली जो है ना परिवार वेस्ट बंगाल में आज धीरे धीरे हिंदुस्तान फैल रहा है आपका नाम, फीडबैक आएगा, मगर एक स्टेज आएगा अगला जो है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या है? अगला स्टेप आएगा ये टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या है? ये आना ही आना है, जिस भी लेवल में हो सकता है आपका इस लेवल में आ जाए, ये आने वाला लेवल में आने वाला है, ये कड़वा सच है, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, ये जटिलता क्या है? एक जगह आएगा जहां आने के बाद ना आपको लगेगा रास्ता नहीं दिख रहा, हो नहीं पा रहा है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं सोचते रहे मैं करके, क्योंकि आपके पास सोचने का भी जो तरीका है और जो सोचिएगा वो भी नहीं है। तो क्या है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी? एक स्टेज आपका इस दौड़ में आएगा क्या, द डिग्री ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्शन नीडेड टू कंप्लीट एक्शन, एक कॉम्प्लिकेटेड, एक असमंजस आपका आएगा, एक क्या करना चाहिए, एक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, क्या इंस्टिंक्ट कॉग्निटिव डिमांड ऑफ टास्क, एक गंभीर और ज्ञान वित्तिक टास्क आज काम करना पड़ेगा आपको। एक स्टेज ऐसा आएगा जहां आप गंभीर नॉलेज के साथ काम नहीं कीजिएगा, एकदम बॉस स्किल के साथ काम नहीं कीजिएगा तो होगा नहीं। इसके लिए क्या करना है? अपग्रेड योरसेल्फ एवरी डे। अगर आप फीडबैक तक है, फीडबैक जहां अच्छा आपको अच्छा मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है और अच्छा आपके बारे में सुनने को मिल रहा है, तो आने वाला समय आपको ये टास्क कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाएगा। तो उसको जितना जल्दी हो, पूरा दुनिया में ऐसा कोई नहीं, चाहे वेस्टीज नहीं, दुनिया में किसी भी ट्रेड में चले जाइए, उसका ये मेरा नहीं है, मेरा बात नहीं है, ये एवरी लोग जिनको फादर ऑफ गोल सेटिंग कहा जाता है, उनका रिसर्च है। ये दिन आपके पास आएगा तो इसके लिए आपको ना आज से अपग्रेड करना पड़ेगा रेगुलर। खाली गोल सेट कर लिया है और आगे हम पहुंच जाएंगे, वैसे काम कर रहे हैं, काम करना नहीं, लगातार अपग्रेड करना है, क्योंकि वो समय जहां आपका बहुत ज्ञान और बहुत ध्यान से काम करना है, बहुत ध्यान से आपको कदम रखना है, ऐसा मोड आएगा, क्योंकि वो वक्त जैसे आया वो ढल जाएगा, मगर वो कितना जल्दी ढलेगा उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपने बड़ा गोल तो क्रिएट किए हैं, मगर जब तक वो इंसान नहीं बनते हैं,
कि वो गोल अचीव करे तब तक नहीं होगा, वो परीक्षा लेगा, वो टास्क कंप्लीट से। समझ में आया? आपको देखिए कहा जाता है आपका आमदनी उतना आएगा जितने का काबिल हो, क्योंकि आप जितना बड़ा गोल सेट करते हैं वो गोल में आप पहुंच जाइएगा, मगर उसका काबिल भी आपको बनना है। जब तक दैट यू कैन नॉट अचीव, यू सेट अ बिग गोल बट दैट यू कैन नॉट अचीव इट अंटिल यू ग्रो इनटू द पर्सन हु कैन। जब तक वो इंसान आप नहीं बन जाते हैं तो आप वो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी क्रॉस करके उस आपका जो मकाम है वहां पहुंच नहीं सकते। इसके लिए रेगुलर अपग्रेडेशन चाहिए, और क्या चाहिए? यू कैन, यू एवरीवन, जो आज हम लोग 131 पार्टिसिपेंट्स यहां पे हैं, एवरीवन कैन अचीव इट, एवरीवन कैन क्रॉस द टास्क कॉम्प्लेक्सिटी स्टेज, एवरीवन कैन क्रॉस। कैसे क्या करना है इसके लिए? फॉलो सक्सेसफुल अप्लाइंग। जो सक्सेस है ना, उन्होंने ये टास्क कॉम्प्लेक्सिटी जो जटिलता आएगा कहाँ करें, दूर भाई और होगा नहीं, आर आमे की कोरबो आर बोधा होवे ना, ठीक अच्छे देखा जावे, ठीक है देख लेंगे, अच्छा यहाँ आप कहते हैं तो ठीक है और एक बार कोशिश करते हैं। अरे नहीं भाई, जो सक्सेस है ना उन्होंने वो स्टेज को पार किया है। आपको खाली एक काम करना है, आसान काम करना है, और यू कर सकते हैं। हु कैन? यू कैन। आपको करना है सक्सेसफुल अपलाइन का फॉलो। तो उन्होंने जैसे पार किया ना, तो आपका डेवलपमेंट आपका बेहतर वर्जन कर देगा और आप भी वहां पार कर दीजिएगा। समझ में आया? ऑल द इवेंट्स, अगर नहीं हो रहा है, नहीं कुछ अभी तो क्या है, अभी कुछ कर नहीं, इवेंट अटेंड नहीं करेंगे, क्या है मैं तो अभी कुछ वैसा खास नहीं कर रहा हूँ कुछ, अरे भाई नहीं, आप अपलाइन को फॉलो करो और ऑल द इवेंट्स, जितना भी इवेंट्स वेस्टिज से लिया जा रहा है और आपका टीम से लिया जा रहा है, आप उसमें अटेंड करो। ये तो आप कर सकते हो ना, ये आप कर सकते हो ना, यू कैन, हु कैन, यू कैन, who can achieve big goal, you can, or you can follow your successful upline, or you can attend all the events. khali isko ye dono kar lijiye, uske baad kya karna hai? always positive rehna hai bhai, behna, always positive rehna hai. kyun positive rehna hai? kyunki aapka aage jinhone aaya na usne hasil karke dikha diya, to aap kyun nahi kar paoge? khali ye socho, aap kyun nahi kar paoge? aap bhi kar paoge. अगर ही कैन देन यू कैन, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहो। हाँ उन्होंने किया, आज मैं थोड़ा ट्रबल में हूं, ये मैं पार कर लूंगा। अरे भाई जो जिन्होंने पार किया, जो डायमंड में 4 एलओबी लिया, उनको फोन करके पूछिए ना कैसे 4 एलओबी लिया, पॉजिटिव रहना है। अरे जिनका एलओबी नहीं आ रहा उसको उसके साथ क्यों जोड़ता है अपने आप को? अरे प्रवीण दास से पूछिए ना कैसे डबल क्राउन बनना है, कैसे जागुआर लेना है। जब भी आपके पास नेगेटिव कुछ आ जाए ना, तो पॉजिटिव आदमी से मिलिए, आपको आप जब मिलिएगा ना तो आप खुद पॉजिटिव रहिएगा, धैर्य रखिए। ये जो पेड़ आ रहा है ना, ये जो वक्त आपके पास आ रहा है ना, ये आप पार कर दीजिएगा। यू कैन, प्लीज धैर्य रखिए, समय पेशेंस रखिए ये ओवरकम करने के लिए। और क्या करना है? फोकस ऑन सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस आपके पास आ रहा है ना, उसमें फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए सॉल्यूशन। अगर खुद को नहीं मिल रहा है, खुद इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं, जो एक्टिव अपलाइन है उनसे पूछिए। अरे भाई अगर एक्टिव अपलाइन आपको पसंद नहीं है तो गौतम बाली सर है ना, पूछिए ना, शंकरजीत गोस्वामी सर है ना, पूछिए ना, त्रिदीप मैथी सर है ना, पूछिए ना। आप अगर आपको ये लगता है प्रणव घोष नहीं कर सकता, प्रवीण रॉय सर नहीं कर सकता, कौशिक गोस्वामी सर नहीं कर सकता, उन्होंने पहले आया करके दिखा दिया, हो नहीं सकता। अरे भाई कैसे हो रहा है, कैसे प्रवीण दा बना, कैसे कौशिक गोस्वामी बना, कैसे सिद्धार्थ सिंह बना, बनाया बना कौन सिस्टम से? वेस्टिज सिस्टम से। और सिस्टम बनाया कौन? गौतम बली सर, पूछिए ना। और सिस्टम से चल रहा है कौन? वेस्ट बंगाल में शंकरजीत गोस्वामी, उनसे पूछिए ना, आपके पास सोल्यूशन आएगा। आना ही आना है। यू कैन फोकस ऑन सोल्यूशन, कंटिन्यू वर्किंग। भाइयों और बहनों,
जिस भी मोड़ आ जाए ना जिंदगी में काम करते रहिए, क्योंकि सपना आपने देखा, गोल आपने बनाया, पूरा करना आप ही को है। और अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो गोल नहीं हासिल होगा, और आपने जो सपना देख के गोल बनाया वो सपना भी पूरा नहीं होगा। लगातार काम करते रहिए भाइयों और बहनों, और आप भरोसा रखिए। किस पे भरोसा रखना है, किस पे भरोसा रखना है? अपने आप पे, अपने आप पर भरोसा रखना है, सिस्टम पर भरोसा रखना है। वैसी सिस्टम ने बहुत सारे को लक नहीं करोड़ में आमदनी दिलाया है, आम जनता नहीं एक खास जनता बना दिया, खास इंसान बना दिया। हाँ, और वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। तो आप, उन्होंने अपने आप को भरोसा किया तो क्या किया, तो ये मुकाम हासिल किया, तो आपने आप खुद भरोसा कीजिए ना, और सिस्टम पर भरोसा रखिए। आप भी आपका गोल अचीव कीजिएगा, गोल अचीव होगा तो आपका सपना होगा साकार। ये होना ही होना है। क्यों? देखिए, ईच गुड मॉर्निंग यू बॉर्न अगेन। रात में जब सो जाते हैं ना, रात में जब सो जाते हैं तो सोने के बाद नींद में क्या जिंदगी रहता है, हम तो मर जाते हैं। कहता है ना, स्लीप इज द ब्रदर ऑफ डेथ। आप सुबह जब जगते हैं ना तो आप, अरे ये जब होता है ना, लगातार आपको लगता नहीं है कि नींद में जाते हैं तो मौत हो जाता है, सुबह उठते हैं तो फिर जिंदा हो जाते हैं, ये लगता नहीं, क्योंकि ये हर दिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो विश्वास आ गया आप जिंदा है। ये गलत है। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो हर दिन सही काम कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं और सही दिशा में कर रहे हैं, तो आपका एक बार, आप एक बार जन्म लेते हैं, मरते एक बार। मगर जो जैसे जिंदगी जा रहा है, जाने देता है, वो हर दिन, ये मेरा नहीं है, ये रिसर्च कहता है, वो हर दिन जीता है, हर दिन मरता है। ठीक है, जिस भरोसे से आप सुबह उठते हैं ना, क्योंकि पिछले दिन उठा था, पिछला महीना उठा था, पिछला साल भी गया ऐसा, तो आपका भरोसा आ गया भाई। ऐसा ऐसा करके अगर ऐसा, माने एक साल आप नींद से जागे हैं, माने आप जिंदा हुए हैं, तो आपको लगता है फिर कल सुबह उठ जाइएगा, है ना, फिर वैसे ही भरोसा रखिए। आज प्रोबेट द जगुआर लिया है, अगला दिन आपका आएगा। विनर आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट द पीपल हु नेवर क्विट। जो जीतता है ना वो, जो जीता है वो फेल नहीं करता, ऐसा नहीं है, मगर वो काम करना, बोले लगातार काम करते रहिए, लगातार काम करते रहिए, क्योंकि क्विट नहीं करता। हाँ, करेंगे, आज ही है, क्योंकि अपने आप काम किस में, खाली सेम काज, गलत काम गलत तरीके से नहीं, सेल्फ डेवलप करना है, और डेवलप काम करेंगे। गलत काम लगातार करते रहे तो गलत रिजल्ट आएगा भाई। सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए और डेवलप काम लगातार करते रहिए। आज जो किया कल थोड़ा बेहतर करना है, थोड़ा बेहतर करना है, और क्विट नहीं करेंगे तो आप पहुंचिएगा। वर्क हार्ड, बी काइंड, अपने आप के ऊपर सदैव छोड़िए मत। ये दूसरा मौका जो मिला ना, जो आपको सपना दिखाना सिखाया, जो गोल बनाना सिखाया, और जो गोल हासिल करने के लिए मौका दे रहा है, सदैव हुई, क्योंकि amazing thing will happen। जो आपने सोचा नहीं, ऐसा दिन आने वाला, जो आपने सोचा नहीं था कभी, विस्तीज में आके सोचा, हाँ वो बड़ा सोच है, बड़ा गोल बनाया, वो मिलेगा आपको, मिलना ही मिलना है। क्योंकि हमारे पास कौन है, तीन महान हस्ती है, प्रणाम करते हैं इतना बढ़िया सिस्टम बनाने के लिए। और क्या, और क्या पंचलाइन दिए हैं, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। सबका सोचिए, हम अपने लिए ना सोच के, क्या सोचते हैं कि भाई आपको सफल बना दे, भाई हमारे पास अपलाइन है, वो सोचता है मैं, मुझे सफल बनाने के लिए। और हमारा ग्रैंड अपलाइन कौन है, आप अपलाइन का अपलाइन, पाली सर, कन्वरवीर सिंह सर, दीपक सूद सर, क्या सोच है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। भाई मैंने जो गोल देखा, आपने जो गोल देखा, वो पूरा होना ही होना है। क्यों होना है, खाली एक जो तरीका और जो काम बताए वो करना है। ये पूरा क्यों होगा, एंटायर मैनेजमेंट डेडिकेटेड है आपको, मुझे, सबको सफल बनाने के लिए।
तो बड़ा गोल बनाइए, बड़ा सोचिए, बड़ा जिंदगी जीजिए और लगातार सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए, डेवलप काम करते रहिए। और इन तीनों महान हस्ती गौतम बाली सर, कन्वरबीर सिंह सर, दीपक सूद सर का आशीर्वाद हम पे रहे। और हमारा जो डायरेक्टली हम लोग आशीर्वाद लेते हैं प्रवीर रॉय सर, उनका भी आशीर्वाद रहे और जो गोल देखा वो पूरा होगा, जो सपना हमने वेस्टिज में आके देखा वो भी पूरा होगा और वो होगा सपना साकार। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू कोविंद। सुपर सुपर।